तकरीबन 2.5 से 3 लाख से ज़्यादा संख्या में यहाँ स्लम पॉपुलेशन लोग रहते हैं, जो कि इसके लिए आसानी से पैदल चल करके आ करके फ़ायदा लेने के लिए ये रहेंगे। इसके अलावा तमाम तरह की एसोसिएशन है जो हमारे साथ एसोसिएट हुई है और वो पेशेंट को लाने के लिए अपने आप को कमिटेड ही किया है। सर, मेरा एक सवाल आपसे, इतने बड़े पैमाने पर इस मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, रविवार का दिन भीड़ भी काफ़ी होगी, तो डॉक्टर की टीम कितनी रहेगी वहाँ पे जो लोगों को मतलब हैंडल कर सके, लोग जितने पेशेंट आए उतने मरीज आएंगे? हमने 5000 डॉक्टरों को हमने बुलाने का काम कर रहे हैं। थोड़ा कम होंगे, हो सकता है 5000 से ज़्यादा भी जाएं, 5000 से थोड़ा कम भी रहें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डॉक्टर्स आ रहे हैं इसमें। इसीलिए हमने स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हमने ये एसोसिएट किया है, इवन आयुष को बोला कि जिसमें हर तरह की पैथ की हम ये कर सकते, जिसमें योगा, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, नेचुरोपैथी, हर तरह की, ताकि कुछ लोगों के शौक होते हैं कि हम तो आयुर्वेद के ट्रीटमेंट लेने से खुश रहते हैं, कुछ लोगों की तमन्ना होती है कि हम होम्योपैथ लेना चाहते हैं, कुछ लोगों की तमन्ना है कि हम नेचुरोपैथ लेते हैं। योगा के लिए हमने गिरिजी को बताया है, क्योंकि इस तरह की तमाम हर तरह की पैथ जो कि हम सुनते आए हैं और देखते आए हैं और हम डिपेंडेंट रहे हैं, उस तरह के हर तरह के डॉक्टर और पैथ को हमने एसोसिएट किया है। सिक्योरिटी को लेकर कुछ सोचा है आपने, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने वाले हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ सोचा है? तकरीबन हमारे साथ 12 से 15 हज़ार हमारे साथ वॉलेंटियर्स है, जो एनएसएस है, स्काउट्स है, हमारे स्टेट पुलिस है, हमारे साथ सिंह सिक्योरिटी, तकरीबन 200 से ज़्यादा हमारे साथ बाउंसर्स दे रहे हैं, ताकि जितने भी सेलिब्रिटी आएँ या पेशेंट को लाइन लगाने में सहयोग करा सकें। इस तरह से काफ़ी लोग, बाकी हमारी टीम अपने आप में काफ़ी सक्षम है, तकरीबन 2000 से ज़्यादा तो हमारी खुद की टीम है जो कि डेडिकेटेड 6 महीना पहले से लगे हुए हैं, और वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से, जिस तरह से आते हुए समय में घटना होते हुए देखा गया है, उस तरह की घटना से हम बच सकें। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत मतलब स्वागत करती हूँ, और धन्यवाद तो हम बाद में देंगे, स्वागत इसलिए क्योंकि इतना बड़ा पैमाने पे ये सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा कैंप लगाना इट्स नॉट वेरी इजी, इतने लोगों को हैंडल करना, इतने डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करके यहाँ लेके आना और उसके बाद इतने मरीजों को देखना सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है जितने की हम हेल्प कर सकें वो सबसे बड़ा पुण्य होता है जो हम शायद एक दिन में कमाने की कोशिश करेंगे। और हमेशा मैंने इनके हर प्रोग्राम में मैं गई हूँ, और मुझे लगा कि वाकई में इनके साथ जुड़ना, इनकी संस्था के साथ जुड़ना, लोगों के लिए काम करना मुझे अच्छा लगेगा कि कम से कम एक दिन तो मैं किसी के काम आई, शायद मेरा अपना चेहरा किसी के काम आया। सो आई फील जो भी हो रहा है, सब डॉक्टर्स इतने बड़े अपनी इतनी बड़ी बड़ी फीस छोड़ के, इतनी बड़ी सर्विस छोड़ के लोग यहाँ बैठे हैं बिकॉज सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र जी के विश्वास के ऊपर कि उन्होंने इतना बड़ा कैंप लगाया, और हम चाहते हैं कि हम उसका इतना सा पार्ट अगर बन सके तो हम उसमें शामिल हो जाएं और पुण्य कमाएं। मुझे ऐसा लगता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत सारे लोग आने वाले हैं, और सिक्योरिटी के माध्यम से भी, और कहते हैं कि इस इवेंट का बहुत जवाबदारी का काम है, और जब जवाबदारी का बोझ कंधे पे पड़ता है तो अक्सर बचपन याद आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे इवेंट में इस प्रकार का कोई कठिनाई आई? जब हमने ये पहले शुरू किया था, नो इट वाज अ वेरी डॉन्टिंग टास्क, ऐसे लगा कि इतना 2 लाख पेशेंट एक दिन में देखना इज गोइंग टू बी अ ह्यूज अंडरटेकिंग। पर मैं धर्मेंद्र जी के साथ तकरीबन 15-20 साल से जुड़ा हूँ, एंड आई हैव सीन 19 साल से इन्होंने इतने ह्यूज कैंप्स किए हैं एंड ऑन अ वेरी सक्सेसफुल नोट। तो फिर हमने इस बार ऐसे डिज़ाइन किया कि इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और प्लान्ड मैनर में कंडक्ट करना। तो कैसे करेंगे हम? तो अभी सब लोगों के सब टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो जिसको जिस टेस्ट की ज़रूरत है, दैट इज़ व्हाट वी प्लान। तो एक टेम्पलेट बनाया है, हमारे जो 50 बूथ्स रहेंगे वेयर ऑल द डॉक्टर्स विल बी सेटिंग, एंड सो दे विल इनिशियली स्क्रीन आउट कि किसको ब्लड टेस्ट, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जैसा इन्होंने बताया आपको, लिपिड प्रोफाइल्स, सीरोलॉजीज, ये सब रहेगा इन एडिशन टू द बेसिक ब्लड केमिस्ट्रीज। पर उसके व्यतिरिक्त फिर किसको लिपिड प्रोफाइल चाहिए, किसको फिर अभी एको के लिए भेजना है, किसका ECG निकालना है, किसी को अल्ट्रासाउंड करना है। द होल आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट वी पिक अप
patients who need prompt referral and then subsequent treatment. So isme Dharmendra ji ne ek aur achhi baat ki hai ki ye camp is not going to be the be all and end all abhi idhar. Iske baad 10 din ke liye this will be going on in the background. Ki jo jo patients identify hoenge. Now see, I am a heart surgeon and I know ki heart care kafi expensive hai India mein. Whether it is angioplasty, bypass surgery, valve replacement, pacemakers, ye sab kafi expensive hai. To ispe humne baith ke aise socha ki Rajiv Gandhi schemes jo hai government ki ya charity commissioner ka ek aisa mandate hota hai ki har ek hospital ko 10% needs to be done towards charity. So ye jo patients ko pick up karenge hum, unko barabar direct karenge. To inhone about 51 hospitals ke sath tie up kiya hai and all patients. The whole idea in this camp is that anyone who's coming, कोई भी आ रहा हो, फिर वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, man or woman, with any medical condition, is exposed to a world of possibilities. कि उसको कुछ कम न गिरे, ऐसा ना लगे कि मेरे पास पैसा कम है, उसलिए मैं नहीं हो रहा है. In fact, इन्होंने तो बताया कि कोई कोई treatments में भला 10 lakhs भी लग जाए. You know, we have organized the funding for that. And there are some philanthropic guys, this charity commissioner is there. So that is how we plan to go about this whole thing in a very organized manner on Sunday. Sir, aap se janna chahenge ki pure whole event ke bare mein aapke plan mein apne samaj ke liye Bombay shahar mein jitne log hain jo apna dawa nahi afford kar sakte hain, jo apna operation nahi karwa sakte hain, uske liye Dr. Dharmin ne ek भगवान की तरफ यहाँ पर आ गए हैं. इन्होंने हमारे जैसे बहुत दोस्तों से बात किया है जिन्होंने कमिटमेंट दिया है, फाइनेंशियली कमिटमेंट दिया है, मॉरली इनको सपोर्ट किया है और फिजिकली भी हम लोग प्रेजेंट रहेंगे अपने स्टाफ और लोगों के साथ. तो हम तो डॉक्टर धर्मेंद्र को यही कहते हैं कि कभी भी अगर ऐसा कैंप लगे तो आप सब लोगों को, दोस्तों लोगों को बुलाइए और जितनी कंट्रीब्यूट हो सकती है हम लोगों से, हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे इस कैंप के लिए. और कोई भी अगर खर्चा के लिए आप कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं. बहुत अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरे इवेंट की पिछले 4 महीने से तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है और हर तरीके से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश होती है और हम लोग पहले से चालू है कि लोग यहाँ पे कैसे आए, लोगों को यहाँ पे आने के बाद में क्या सुविधा दे सकते हैं. तो उस तरीके की हम लोग ने सोच लगा कि 4 महीने से फील्डिंग कर रहे हैं और लोगों के घरों घर जाके लोगों के तकलीफ़ों को जान के कि क्या तकलीफ है और क्या तकलीफों के लिए हमको क्या इलाज करना चाहिए, उस तरीके से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों को कन्विंस करके यहाँ पे लाने की कोशिश में लगे हुए हैं. यहाँ के सिक्योरिटी को लेके हम लोग पूरे मजबूती से खड़े रहे और अपने पूरे कार्यकर्ता लोगों के साथ में आने वाला जो संडे है, जो 28 तारीख है, हकीकत में जिस तरीके से 28 तारीख यहाँ पे गूंजेगी, वो गूंजा हुआ आवाज़ हर जगह पे ऐसे फैलने वाला है कि हर हकीकत में ये कैंप एक लोगों के लिए, सबके लिए एक चैलेंज जो हमने स्वीकारी और चैलेंज में हम लोग सही उतर के दिखाएंगे और इस चैलेंज को 28 तारीख को आप सब देखोगे. शोभा की बात है कि डॉक्टर धर्मेंद्र ने हमको इस इवेंट में हमको शामिल किया और हमारी तरफ से हमारे जो स्टाफ के लोग, काफ़ी लोग आएंगे, करीब 40-50 लोग का स्टाफ हम लोग लेके आएंगे, प्लस आर्थिक रूप से भी जो भी हमसे बन सकेगा उसमें हम योगदान करेंगे, प्लस हमारी पूरी टीम यहाँ शामिल रहेगी और कोशिश की जाएगी कि हम जो भरपूर योगदान दे सकें उसमें हम अपना कैन आई हैव जस्ट वन मोर वर्ड. एक पति पे फोकस नहीं कर रहे, मुझे ऐसा डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया इट्स गोइंग टू बी आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, यूनानी, ऑल मेडिसिन एंड इन एडिशन टू दिस होम केयर. ये होम केयर का कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में आ रहा है कि पेशेंट को अगर हम जल्दी घर भेजें तो फिर घर जाके उनका केयर लेने के लिए नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम होम, इफ़ यू आर विद, जैसे एक कंपनी डॉक्टर है जो हमारे साथ इसमें एसोसिएटेड है.